आजकल एक तबका आपको ये बताने में लगा है कि राम इसलिए खराब थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन रावण इसलिए महान था क्योंकि वो एक पराई नारी का अपहरण कर लाया पर उसे छुआ तक नहीं। गांधी जयंती पर एक तबके द्वारा बताया जाता है कि गोडसे महान थे और गांधी अपराधी। जब जब इस्लामिक आतंकवाद की बात होती है तो एक तबका कहता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है इसलिए वो आतंक की राह पर मुड़ गया। हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट का एक कालजयी किरदार है जोकर। इसे सिनेमा का सबसे महानतम विलन कहा जाता है। जोकर के किरदार को इस कदर गढ़ा और निभाया गया है कि उसके साथ साथ सहानुभूति रखते हुए तर्क दिया जाता है कि गौथम शहर ने उसके साथ बहुत ज्यादती की और इस वजह से जोकर अपराध की ओर मुड़ गया। और इस पूरी चीज को इस तरीके से दिखाया गया है कि आप उससे इनकार भी नहीं कर सकते। घर छोड़कर ISIS ज्वाइन करने गए किसी जिहादी के बचाव में यह तर्क दिया जाता है कि उसके साथ कुछ तो हुआ है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। ये सारी थ्योरी यूं ही नहीं परोसी जाती हमारे सामने। एक नया चलन है नकारात्मकता के साथ सहानुभूति जताने की, सकारात्मकता में भी नकारात्मकता ढूंढने की। ये नया फैशन है निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की। और कुछ लोगों की परवरिश भी ऐसी ही है जो उन्हें किसी विलेन में अपना हीरो नज़र आ जाता है, अपना आइडियल नज़र आ जाता है। ये दरअसल फैशन है कि अगर दिखना है तो कुछ ऐसा कहो जो अलग लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांधी जयंती हो तो बताओ कि गोडसे महान थे। ये सब महान व्यक्तित्व के पूरे अस्तित्व को उसकी एक गलती की वजह से नकार देना चाहते हैं और इस चक्कर में एक अपराधी के गुण ढूंढ ढूंढ कर महिमा मंडित करते हैं। ये वाकई सच है कि एक धोबी की बात पर पत्नी को छोड़ देना गलत था। राम जो 14 साल के बाद अपने घर पर वापस आए और राजपाट संभालना शुरू किया, वो अचानक इस सामाजिक आलोचना का सही जवाब नहीं ढूंढ पाए, जबकि उन्होंने अग्नि परीक्षा भी ली थी और एक गलत निर्णय ले लिया। लेकिन क्या इसके साथ साथ ये अनदेखा हो सकता है कि यज्ञ में जब पत्नी को बिठाना था तो पत्नी की मूर्ति रखकर ये संदेश दिया कि उनके मन में पत्नी के लिए कोई शक नहीं, लेकिन जनता के निजी विचार का उनके निजी जीवन पर प्रभाव पड़ गया। राम ने दूसरी शादी भी नहीं की। ये उस युग की बात है जब राजा चार चार शादियां करते थे। राम के द्वारा मित्रता निभाने से लेकर राजपाट को सकुशल निभाने की वजह से एक आदर्श राज्य की अवधारणा को राम राज्य कहा जाता है। लेकिन एक गलती की सजा वो आज भी भोग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण, जिसकी बहन एक शादीशुदा व्यक्ति पर डोरे डालना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है और ना करने की स्थिति में उसका नुकसान भी करने की कोशिश करती है, वो एक पीड़िता है। लक्ष्मण बेचारे के पास मीटू भी नहीं था तो उन्होंने वो किया जो उस समय अपनी सुरक्षा में ठीक लगा। अब लोगों को रावण जैसा भाई चाहिए क्योंकि वो बहन के सम्मान के लिए लड़ा, लेकिन सोचिए कैसे। अपमान किया लक्ष्मण ने, लेकिन रावण लक्ष्मण से नहीं लड़ा बल्कि छल के जरिए उसे कुटिया से हटाया और फिर सीता को उठा ले गया। उठा ले जाना यानी अपहरण करना। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बहन के आत्मसम्मान की लड़ाई सीता के अपहरण से कैसे पूरी हो रही थी। लेकिन मामला यही नहीं ठहरता। आगे किस्सा यह है कि देखिए रावण कितना महान है कि एक निरपराध स्त्री को उठा लाया एक बीवी के रहते हुए, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया। वो विद्वान था, ये तो आपने सुना ही होगा अब तक, मतलब कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो अपहरण करे, पत्नी के रहते अप्रियता पर शादी का दबाव डाले, वो तक ठीक है, लेकिन जो पत्नी व्रता था और समाज के दबाव में गलत निर्णय कर गया वो दोषी। रही बात हाथ ना लगाने की, इस थ्योरी के बारे में बता दूं, श्री राम के जीवन खंड का सबसे प्रमाणिक वर्णन करने वाले वाल्मीकि जी ने साफ साफ लिखा है कि रावण ने सीता के केश यानी कि बाल खींचे और जंघे के नीचे से हाथ लगाकर उठा लिया, जैसे कि किसी को गोद में उठाते हैं। हो सकता है रावण को जस्टिफाई करने वाले लोगों की नज़र में किसी स्त्री को ऐसे उठाना सामान्य सी बात हो, हमारी नज़र में निंदनीय है। खुदा ना खास्ता किसी दिन कोई PhD डॉक्टर या कोई इंजीनियर इनमें से किसी की बहन को जबरन उठा ले जाए, तो क्या ये उस अपहरणकर्ता के लिए कविता लिखेंगे कि माँ मुझे उस इंजीनियर या डॉक्टर जैसा भाई चाहिए। जो लोग आज रावण के पैरोकार इन तर्कों से हैं इन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि इन्हीं की पुश्तें कुछ 100 साल बाद बता रही होंगी कि ओसामा बिन लादेन विद्वान था, सिविल इंजीनियर था और उसे इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिग्री ली थी।
उसने लोगों को मारा तो था, लेकिन देखिए मिसाइल होते हुए भी हवाई जहाज से टावर उड़ा दिया। रावण एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और किसी नियम को नहीं मानता था। उसके सैकड़ों उदाहरण हैं। क्योंकि आज बात इन दो मुद्दों पर थी तो इतना ही। एक बार फिर कहता हूँ कि राम द्वारा पत्नी को छोड़ना गलत था प्रथम दृष्टया, लेकिन आप इस तथ्य का गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम जी ने सीता को वन नहीं भेजा था, स्वतः सीता गई थी वन में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति जो कि अब राजा राम थे उनको लेकर किसी के मन में कोई संदेह हो, कोई दुर्भावना हो। अपने पति के लिए स्टैंड लिया उन्होंने, जिसे श्री राम को भी मानना ही पड़ा। अपने चरित्र और अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सीता ने जो कदम उठाया उसे वास्तव में नारी सशक्तिकरण के उदाहरणों में गिना जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि उसे आज नारी के अपमान का प्रतीक बना दिया गया। लेकिन चलिए आपके नज़रिए से मान लेते हैं कि राम की गलती थी यहाँ, तो भी उस वजह से रावण महान नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे गांधी की किन्हीं एक दो मानवीय भूल के कारण गोडसे को महान नहीं कह सकते। आपकी मानसिकता हो सकती है कि आपको आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हीरो नजर आता हो, लेकिन असली हीरो वही होता है जिसने वास्तव में आदर्श स्थापित किए हों। अंत में हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म ड्रीम गर्ल के इस डायलॉग के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि दुनिया में हर इंसान गलत होता है, जो कम गलत होता है वही सही होता है।